कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया। इस घिनौनी वारदात के बाद देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक दावे में कहा जाने लगा कि पीड़िता के शरीर से लगभग 150 ग्राम सीमन पाया गया। 16 अगस्त को मोजो स्टोरी पर बात करते हुए सुवर्णा गोस्वामी नामक एक फिजिशियन ने ऐसा ही दावा किया था। वेजिनल स्वैब्स, एनल स्वैब्स एंड दे आल्सो कलेक्टेड क्वाइट थिक विसिड फ्लूइड फ्रॉम इनसाइड डीप इनसाइड हर वेजिना व्हिच वेइंग 151 grams। And even if it is mixed with some other body fluid like the discharge, vaginal discharge or, you know, maybe mucus or some other tissues, but this much amount of semen, it appears to be semen. It is to be proved in the forensic lab only. बता दें कि सुवर्णा गोस्वामी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की एडिशनल महासचिव है। उनकी इस कमेंट को द न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया और फर्स्ट पोस्ट जैसे मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश किया था। वहीं पीड़िता के वकील ने कोर्ट में दायर याचिका में भी ऐसा ही दावा किया था कि हाइमन में 150 मिलीग्राम सीमन की मौजूदगी ये मात्रा एक से ज्यादा व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देती है, जिससे सामूहिक बलात्कार के संदेह की पुष्टि होती है। परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा ही कहा था। कुछ ऐसे स्पेकुलेशन है कि 150 mg सीमेन जो है वो बॉडी पर मिला। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, ये क्या स्पेकुलेशन सही है? ये देखिए, ये स्पेकुलेशन तो मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन ही है। 150 mg लिक्विड मिला है, वो लिक्विड सीमेन है कि क्या है, ये फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता सकते हैं। अभी ये जोर से बताना कि वो सीमेन है, कि मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं ऐसी एसर्शन कभी नहीं किया। अगर थोड़ा आप पोस्टमार्टम को कोट करके बता सके एग्जैक्टली क्या लिखा है उसमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वी फाउंड 150 mg लिक्विड, व्हाइट लिक्विड, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मींस नथिंग एज ऑफ नाउ। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। सो बेसिकली 150 mg व्हाइट लिक्विड मिला है उसका। सर, पोस्टमार्टम में अगर आप बता सके थोड़ा और कि क्या क्या चीजें मिली हैं उसमें, क्या फाइंडिंग्स क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो क्या मिलते हैं कि कहाँ कहाँ इंजरी हुआ है, इंजरी क्या क्या मिला है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वीडियो देखते ही देखते एक्स और फेसबुक पर ये दावा वायरल हो गया। वहीं इंस्टाग्राम पर ऐसा ये टेम्पलेट शेयर किया गया, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक 37 लाख से ज्यादा बार पोस्ट किया जा चुका है। ऑल्ट न्यूज ने इस कथित दावे की तह तक जाने के लिए पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेस की। ध्यान दें कि पीड़िता की गोपनीयता के लिए ऑल्ट न्यूज इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीडियो में नहीं दिखा रहा। इस रिपोर्ट में संबंधित अंगों का वजन WT शॉर्ट नेम के साथ लिखा है, जैसे हार्ट का वजन WT 212 ग्राम और प्लीहा का वजन WT 90 ग्राम बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहरी और आंतरिक जननांग नामक सेक्शन में लिखा है कि एंडोसर्वाइकल कैनाल के अंदर सफेद गाढ़ा चिपचिपा तरल मौजूद होता है, जिसे जमा किया गया है और इसका वजन 151 ग्राम है। प्राथमिक रूप से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई इस बात का गलत मतलब निकाला। रिपोर्ट में बाहरी और आंतरिक जननांग का वजन 150 ग्राम है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपना नाम न बताने की शर्त पर ऑल्ट न्यूज को बताया कि आमतौर पर सीमन को ml यानी मिलीलीटर में मापा जाता है, ग्राम में नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय, लीवर, किडनी, प्लीहा जैसे बाकी अंगों का वजन ग्राम में है। 151 ग्राम आंतरिक और बाह्य जननांग का सामूहिक वजन है। रिपोर्ट में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि दावे के अनुसार 150 मिलीग्राम सीमन बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने भी इस कथित दावे को गलत बताया। Somebody said 150 grams of semen has been found. I don't know from where have they found this kind of information. And it is circulating in the media in all kind of forms. And people are tending to believe it or they are trying to create confusion amongst the people. वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस दावे को लेकर ये कहा। Hello, this is Mahua Moitra. I'm here to put a few facts on record and to bust a few
myths and some fake propaganda that is being sent around on social media regarding the horrific rape and murder on 9th of August in RG Kaur Hospital. Number one, there is a figure of 150 grams of bodily fluids being floated around by responsible media. The first thing to remember is that the autopsy, the post-mortem, was carried out in the presence of a judicial magistrate, in the presence of three doctors as witnesses, and in the presence of the family. The entire procedure was videographed. It was not possible to tamper with anything. In any autopsy or post-mortem, the weight and situation of each particular organ is commented upon, like the liver, the heart. Similarly, in this case, the inner and outer genitalia was the comment on that, the total weight of the inner and outer genitalia was something close to 150 grams. Number one, bodily fluids are measured in milliliters, not in grams. This was the total weight of the internal viscera of the reproductive organs. It has nothing to do with any amount of bodily fluids found. It is very unfair and irresponsible on the part of media houses, especially responsible ones like the print, to keep propagating this false information. यानी सोशल मीडिया पर पीड़िता के बाहरी और आंतरिक जननांग का कुल वजन जो कि 150 ग्राम था, इसे गलत रूप से उसके शरीर से बरामद किए गए सीमन का वजन बताया गया।